jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र सिंह देओल थे तो धर्मेंद्र के कजिन, लेकिन 80 के दशक में वे धर्म से भी बड़े स्टार हुआ करते थे। पंजाबी सिनेमा में वीरेंद्र का नाम इतना फेमस हो चुका था कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन फिल्म के सेट पर ही इस एक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। बात 6 दिसंबर 1988 की है। उस रोज वीरेंद्र फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने गोली मारकर उनकी जान ले ली। वीरेंद्र की हत्या किसने की या करवाई, आज तक इस बात पर संशय बना हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि वीरेंद्र सिंह की पॉपुलैरिटी ही उनकी दुश्मन बन बैठी थी और कुछ उन्हें आतंकियों ने गोली मारी थी। निधन के वक्त वीरेंद्र की उम्र 40 साल थी। वीरेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1975 में आई फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी से की थी। इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र ने भी अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म हिट साबित हुई और वीरेंद्र का करियर चल निकला। इसके बाद उन्होंने धर्म जीत 1975, कुंवारा मामा 1979, जटशूर में 1983, रांझा मेरा यार 1984 और वेरीजट 198 जैसी 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक्टर होने के साथ साथ वे राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे।